मुद्दे पर महाराष्ट्र असेंबली लो गंदरगोलम नेलकुंदी असेंबली लो रगड़ सृष्टिंचारंटू 12 मंदि बीजेपी एमएलएलनु तात्कालिक स्पीकर भास्कर जाधव सस्पेंड चेशारु ఎమ్మెల్యేలపై ఏడాది పాటు సస్పెన్షన్ వేటివేశారు స్పీకర్ లేకపోవడంతో భాస్కర్ జాదవ్ తాత్కాలిక స్పీకర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు అయితే ఆయన దూషించినట్లుగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఈ కారణంతోనే వేటివేసినట్లుగా స్పీకర్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी, किसने दी हम सबने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है, और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनको उनसे क्षमा भी मांगी, सब लोग गले मिले, अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है, ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ मराठा आरक्षण का भी एक प्रस्ताव इस सरकार ने लाया है, जो इसी सरकार ने जस्टिस भोसले कमेटी